तो चलो स्टूडेंट्स, हमने इसका पहले देख चुका है अबाउट द फोरबैंड। नाउ लेट्स टॉक विद द मिड बैंड व्हिच इज आल्सो कॉल्ड मेसेंसेटल लॉन। ठीक है, बहुत ही छोटा सा पार्ट है। अगर डायग्रामेटिक एकदम देखेंगे तो मिड बैंड कहां पे होता है बच्चों? नेचुरली इट शुड बी प्रेजेंट बिटवीन फोरबैंड एंड हैंड बैंड। यहां पे आप डायग्राम को देखिए, ये हो गया हमारा सेरिब्रम, ठीक है ना, जिसके हम हमेशा बात करते रहे, सेरिब्रम, राइट। यहां पे अगर आप सेरिब्रम को देखेंगे तो ये जो पोजीशन मैंने यहां पे बनाया बच्चों, ये जो पोजीशन है दिस इज द पॉइंट ऑफ मिड ब्रेन, ठीक है, ये मिड ब्रेन होता है। और अगर आप जैसे ही नीचे आओगे आपको पता चलेगा यहाँ पे कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होते हैं, पॉन्स एंड मेडुला, राइट, ठीक है ना। और दिस कंटेन्स द स्पाइनल कॉर्ड, और यहां से आपको पता चलेगा दिस इज नथिंग बट द सेरिबेलम, ठीक है ना, ये होता है हमारा सेरिबेलम। तो इस तरह से ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया, दिस स्ट्रक्चर इज ऑफ व्हाट, साइड व्यू से अगर देखेंगे तो ये आपका हो जाता है मिड ब्रेन, ये वाला स्ट्रक्चर। तो देखो कितना सिंपल सा बात यहाँ पे मैंने करी है बच्चों। आपको एक चीज हमेशा याद रखनी पड़ेगी कि मिड ब्रेन में कौन सी कैविटी होती है। यू नो दैट दिस डाइंग सेफेरॉन, अगर यहाँ की बात करेंगे, यहाँ पे प्लीज ध्यान दीजिए, यहाँ पे आई एम टॉकिंग अबाउट वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए ये कौन सा एरिया बच्चों, दिस इज नथिंग बट डाइंग सेफेरॉन, शॉर्टकट में लिखूंगा। इस डाइंग सेफेरॉन से आपको यहाँ पे एक कैविटी मिलेगी, देखो ये आइटर होता है, रिमेंबर दिस इज कॉल्ड आइटर। यहां से आप देखेंगे तो आपको मिलेगा ये फोर्थ वेंट्रिकल, ये हो जाएगा आपका सेंट्रल कैनल, ये है सेंट्रल कैनल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। ये देखिए इसमें, इसके अंदर क्या है बच्चों, सीएसएफ होना चाहिए। तो देखो कितना इंटरेस्टिंग सीएसएफ का होता है। अगर आपको पूछेंगे ये हो गया आपका मिड ब्रेन, मैं थोड़ा एब्रिविएशन लिखूंगा, प्लीज आपको समझना पड़ेगा, दिस इज नथिंग बट मिड ब्रेन। ये जो तीनों स्ट्रक्चर आपका दिख रहा है, दिस इज हाइंड ब्रेन, ये पॉन्स है, ये मेडुला है, और ये सेरिबेलम है। दिस इज पॉन्स, मेडुला, सेरिबेलम। ये जो नीचे जा रहा है बच्चों, दिस इज नथिंग बट स्पाइनल कॉर्ड। ये जो ब्लैक कलर का, सॉरी ब्लू कलर का मैंने स्ट्रक्चर बनाया, ये आपका स्ट्रक्चर जो है, दिस इज अगेन कनेक्टेड विद, ये जो है ऊपर सेरिब्रम की कैविटी है बच्चों। ये हो गया आपका लैटरल वेंट्रिकल, ठीक है, ये हो जाएगा थर्ड वेंट्रिकल, ये वाला है फोर्थ वेंट्रिकल, ये है सेंट्रल कैनल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। तो आपको इतना ही समझना होगा कि कैविटी ऑफ मिड ब्रेन में डायरेक्टली एमसीक्यू पे आ रहा हो, पर से कैविटी ऑफ मिड ब्रेन कॉर्ड आपको पता है लैटरल वेंट्रिकल से थर्ड वेंट्रिकल कौन से कैविटी से बनता है, फोरमेन मोनरो से। थर्ड और फोर्थ कैसे कनेक्ट होते हैं, ये होते हैं सेरेब्रल एक्वेडक्ट। तो अगर आपको पूछे कि मिड ब्रेन में कौन सा कैविटी, बच्चों एक डायग्राम में बना के दूंगा, मिड ब्रेन में कौन सा कैविटी है, व्हाट इज द कैविटी कॉल्ड, सेरेब्रल। वैसे देखा जाए तो हम कैविटी की बात नहीं करते, पर आपको अगर पूछेंगे तो बताइएगा सेरेब्रल एक्वेडक्ट या फिर आइलेक्टर, अब इसको बोलती है, या एक्वेडक्ट ऑफ सेल्बियस भी हमने इसको बोला था, जहां से पास होकर नीचे चला जाएगा। तो दिस इज द पोजिशन ऑफ मिड ब्रेन विच इज कंप्लीटली कनेक्टेड बाय सेरेब्रल हेमिस्फीयर। बहुत ही छोटा, बहुत ही स्मॉल और रिड्यूस पार्ट हमारे ब्रेन का मिड ब्रेन होता है, ऐसा भी हम इससे बोल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे हम देखेंगे मिड ब्रेन में होता क्या है। बेसिकली अगर बहुत सिंपल लेवल में बात करेंगे तो मिड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ, आप सिर्फ यहां पे ध्यान देंगे, मिड ब्रेन विच इज ऑल्सो कॉल्ड मेसेंसेफेलॉन कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। इसमें दो पार्ट में करूंगा बच्चों, वन पार्ट इज कॉल्ड सेरिब्रल पेडंकल, आप यहां पे ध्यान दें, एंड सेकेंड पार्ट इज कॉल्ड ऑप्टिक लोब्स। देखिए दो पार्ट है, एक पार्ट है सेरिब्रल पेडंकल और दूसरा पार्ट है ऑप्टिक लोब्स, तो ही पार्ट मिड ब्रेन में होते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं अगर आपको एक डायग्राम बना के दू तो आपको तुरंत पता चल जाएगा एग्जैक्टली सेरिब्रल पेडंकल होता क्या है। तो समझ लीजिए हमने ये सेरिब्रम बनाया, ओके, ये देखिए ये सेरिब्रम है, ये सेरिब्रम के हेमिस्फीयर से, दिस इज नथिंग बट सेरिब्रम, ठीक है, ये पूरा सेरिब्रम है। और अगर मुझे यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा बच्चों को, यहाँ पे आएगा सेरिबेलम, ठीक है ना, इस जगह पे आपका आएगा पॉन्स, मेडुला, ये सब स्ट्रक्चर यहाँ पे आएंगे। तो यहां से मुझे इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर्स बनाना है, देखिए इस तरह से मैंने कुछ स्ट्रक्चर बना दिए, और यहाँ पे आपका हो जाएगा एक, यस, ये आपका आ जाएगा सेरिबेलम, ये सेरिबेलम, ठीक है। तो ये सेरिब्रम है, ये सेरिबेलम है। तो सेरिब्रम और सेरिबेलम को कनेक्ट करने वाला एक स्ट्रक्चर आपको बीच में दिख रहा है, व्हाट इज दिस स्ट्रक्चर कॉल्ड एज, दिस स्ट्रक्चर इज नथिंग बट, यहाँ पे आपका पॉन्स हो जाएगा, ठीक है, ये जो एरिया है पॉन्स हो जाएगा, यहाँ पे मेडुला आ जाएगा, ठीक है, और मेडुला भी कंटिन्यू टू स्पाइनल कॉर्ड। ये सामने सब देखिएगा, फ्रंट व्यू है, फ्रंट व्यू में ये सेरिब्रम है, लुक एट दिस, दिस इज सेरिब्रम एंड दिस इज सेरिबेलम। देखिए बच्चों ये टॉपिक पे हमारा
ज्यादा ध्यान नहीं रखा बच्चों का, बट इसमें एमसीक्यू पूछा जा सकता है। मिड ब्रेन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे बॉडी का। तो सेरिब्रम और ये सेरिबेलम हो गया, दोनों के बीच में जो ये लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रक्चर दो बैंड मैंने बनाया, दिस इज नोन एज सेरिब्रल पेडंकल। बच्चों हम इसको क्या बोलेंगे? सेरिब्रल पेडंकल बोलेंगे। और इसके अंदर जो फाइबर्स होते हैं, दिस फाइबर्स आर कॉल्ड एज क्रस सेरिब्राई। ओके हमारे किताब में इसको क्रूरा सेरिब्रा है, वो भी चलता है। ये जो दो दो आपको पेडंकल जैसे स्ट्रक्चर दिखते हैं उसको मैं बोलूंगा सेरिब्रल पेडंकल। ये इंटर पेडंकुलर फोसा होता है, वो हमारी बात नहीं, मेडिकल कॉलेज में आते रहते हम जरूर पढ़ेंगे। बट इसके अंदर जो लॉन्जिट्यूडिनल फाइबर्स है, दिस फाइबर्स आर लॉन्जिट्यूडिनल, रिमेंबर दिस, दिस फाइबर्स आर लॉन्जिट्यूडिनल फाइबर्स। ये सेरिब्रल सेरिब्रल है, पर जो सेरिबेलर भी होते हैं बट वो ट्रांसवर्स फाइबर होते हैं, याद रखेंगे ठीक है ना। ये सेरिब्रल है, सेरिब्रम से सेरिबेलम को कनेक्ट करते हैं, उनको बोलते हैं सेरिब्रल पेडंकल और उनको बोलते हैं क्रस्ट सेरिब्राई, या तो फिर उसको दूसरा एक नाम है क्रूरा सेरिब्राई। तो हमारे लिए नीट के लिए इसमें क्या इंपॉर्टेंट है बच्चों, डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जा चुका है नीट में भी और सी के भी, कि जो क्रस्ट सेरिब्राई के फाइबर्स है वो लॉन्जिट्यूडिनल है या ट्रांसवर्स है। क्या आंसर रहेगा आपका? लॉन्जिट्यूडिनल। कितने बैंड्स है? टू बैंड्स आर देयर, दिस कलेक्टिवली दे आर कॉल्ड एज सेरिब्रल पेडंकल। देखिए कम टू दिस पर्टिकुलर डायग्राम, यहां पे आइए, मैंने आपको कुछ अलग सा बनाने की कोशिश करी है। डायग्राम किताब में बिल्कुल नहीं, दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, नीट सीईटी के लिए है। प्लीज इसको ज्यादा सीरियसली मत लीजिएगा, सिर्फ आपके समझने के लिए मैंने बनाया। ये जो है बच्चे फ्रंट व्यू है, दिस इज द फ्रंट व्यू, आप सामने से देख रहे हैं। ओके तो आपको क्या देखेगा, ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज कॉल्ड एज ऑप्टिक ट्रैक, ये ऑप्टिक ट्रैक है, ऑप्टिक लोब्स का ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर मैंने ग्रीन कलर में बनाया है, दिस इज नथिंग बट, चलो बताओ ये क्या है? सेरिब्रल, यस, पेडंकल। ओके और इनके फाइबर जो है ये लॉन्जिट्यूडिनल है बच्चों, याद रखना, ये जैसे ट्रांसवर्स मैंने बना दिए बट दिस आर लॉन्जिट्यूडिनल फाइबर्स। ये फाइबर्स का नाम क्या है? क्रूरा और क्रस सेरिब्रल, याद रखेंगे। दिस रेड कलर स्ट्रक्चर इज पॉन्स, this structure is medulla and this is going to be continuing to the spinal cord। तो फ्रंट व्यू आपको दिख रहा है, तो देखिए सेरिब्रल पेडंकल करता क्या है, इसके साइड में आपको क्या मिलेगा, वहां से पोस्टीरियर टू पॉन्स एंड मेडुला आपको मिलेगा सेरिब्रम। इसके पोस्टीरियर हम फ्रंट साइड में देख रहे हैं, तो आपको आप इस डायग्राम इस तरह से देखेंगे, पॉन्स तो यहाँ पे आ, सेरिब्रम तो यहाँ पे आ जाता है ना, सेरिब्रम पोस्टीरियर सेरिब्रम फोसा उधर आ जाता है, क्रैनियल फोसा में वो पीछे चला गया, तो आपको इस डायग्राम में दिखेगा नहीं। बट हमें क्या समझना है इस डायग्राम में से, कि क्रूरा सेरिब्राई आर कनेक्टिंग सेरिब्रम एंड सेरिबेलम में। सबसे बड़ी बात क्रूरा सेरिब्राई या सेरिब्रल पेडंकल के बारे में आपको याद रखना पड़ेगा ठीक है। तो चलिए इस डायग्राम को आप प्लीज थोड़ा सा कैंडिडेट करने के लिए मेंशन कर लीजिएगा। आगे जाके आपको इसमें क्या देखना है, अगर हम इसी डायग्राम को मिड ब्रेन को पोस्टीरियर व्यू से देखते हैं, अभी आप इस तरह से आप देखेंगे पोस्टीरियर व्यू से देखेंगे तो आपको कुछ अलग स्ट्रक्चर, दिस इज फ्रंटल व्यू, यहाँ पे मैं लिख दूंगा, चलो दिस इज नथिंग बट फ्रंट व्यू एंड दिस इज नथिंग बट बैक व्यू, और यू कैन से दिस इज नथिंग बट पोस्टीरियर व्यू, ये पोस्टीरियर व्यू है ठीक है। तो इन द पोस्टीरियर ये ऑप्टिक ट्रैक से, तो आपको ये जो स्ट्रक्चर दिख रहे बच्चों, ये चार स्वेलन स्वोलन स्ट्रक्चर्स आपको पोस्टीरियर दिखेंगे, दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज ऑप्टिक लोब्स। ये कौन क्या बोलते हैं, व्हाट आर दीज स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एज, दीज आर कॉल्ड एज ऑप्टिक लोब्स। ये देखो कितना ऑप्टिक लोब्स है, चार, इसीलिए हम इसको एक टर्म का इस्तेमाल करते हैं, दैट टर्म इज नोन एज कॉर्पोरा कॉर्डी जेबिना ठीक है ना। इन ह्यूमन बीइंग्स देयर आर फोर ऑप्टिक लोब्स एंड द स्ट्रक्चर इज कलेक्टिवली कॉल्ड कॉर्पोरा कॉर्डी जेबिना। तो चलो ये जो चार ऑप्टिक लोब्स हैं उनके अलग अलग नाम है, तो टू अपर आर कॉल्ड सुपीरियर कॉलिक्यूलाई ठीक है समझ लीजिएगा, एंड दिस टू लोअर आर कॉल्ड इनफीरियर कॉलिक्यूलाई। क्या बोलेंगे, दो अपर जो है सुपीरियर कॉलिक्यूलाई, दो लोअर जो इंफीरियर कॉलिक्यूलाई, इनमें जो क्रॉसिंग करेगी ऑप्टिक नर्व लगेगी, एक ऑप्टिक नर्व का क्रॉसिंग समझो, इस तरह से ऑप्टिक लोब्स है, ये ऑप्टिक लोब्स का क्रॉसिंग होता है, इसको इस पॉइंट को हम ऑप्टिक कायज्मा भी बोलते हैं राइट। तो चलो सुपीरियर कॉलिक्यूलाई का फंक्शन क्या है, इंफीरियर कॉलिक्यूलाई का फंक्शन क्या है। ये सुपीरियर कॉलिक्यूलाई आर बेसिकली रिलेटेड विद द विजुअल
रिफ्लेक्सेस। ये सुपीरियर कॉलिकुला जो है ये विजुअल रिफ्लेक्सेस से रिलेटेड है, आईज से रिलेटेड होता है, बट इंफीरियर कॉलिकुलाई आर रिलेटेड विद द फंक्शन ऑफ ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस। तो आप बोलेंगे सर ये कैसे पॉसिबल है, नाम तो ऑप्टिक लोब से, बट एक का विजुअल है दूसरे का क्या है ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस के लिए। समझ लीजिए सिंपल से एग्जाम्पल आप इसमें इसमें पकड़ लीजिए, तुरंत आपको मतलब कोई गाड़ी आपके सामने से आ रही है और तुरंत उसने हॉर्न जोर से बजा दिया, ठीक है, तो उस टाइम भी हम क्या करेंगे एकदम तुरंत से हट जाएंगे, है ना, साइड में हट जाएंगे। कोई भी आवाज हो साउंड हो दिखाई देने के बाद जो हम एक्टिविटी करते हैं अपने बॉडी का, दिस इज बेसिकली मोटर रिस्पॉन्स हम जिसको बोलते हैं, वो बच्चों आपका है इंफीरियर कॉलिकुलाई के अंदर। द सुपीरियर कॉलिकुलाई आर कंसर्न विद विजुअल रिफ्लेक्सेस एंड इंफीरियर कॉलिकुलाई आर कंसर्न, यहाँ पे मैं लिखूंगा और दिस इज कंसर्न विद ऑडिटरी मोटर रिफ्लेक्सेस। तो ये हो जाता है हमारा ऑप्टिक लोब्स। बच्चों ऑप्टिक लोब्स इन ह्यूमंस आर सॉलिड, मतलब ऑप्टिक लोब्स आर विदाउट कैविटी कॉल्ड एज ऑप्टोसिल, उसमें ऑप्टोसिल नाम की कैविटी नहीं होती। तो बहुत ही छोटा सा पार्ट है बच्चों मिड ब्रेन। तो आप प्लीज मुझे बताइएगा मिड ब्रेन के बारे में हमें क्या क्या पता है, ठीक है। तो बच्चों मिड ब्रेन में जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है सेरिब्रल पेडंकल, उसके फाइबर्स को मैंने क्या बोला कोना सेरिब्राई। ये फाइबर्स कैसे मुझे बताएंगे, ये लॉन्जिट्यूडिनल है कि ट्रांसवर्स फाइबर है, यस दीज आर लॉन्जिट्यूडिनल फाइबर्स। ये फाइबर्स क्या करेंगे बच्चों, दीज फाइबर्स आर कनेक्टिंग सेरिब्रम एंड सेरिबेलम, सेरिब्रम और सेरिबेलम को कनेक्ट करेंगे, सो दैट सेरिबेलम जो होता है वो सेरिबेलम क्या कर सकता है, जो हमारा मोटर एक्टिविटीज है मसल की एक्टिविटी है वो कंट्रोल कर सकता है, कोऑर्डिनेशन कर सकता है, ठीक है। तो दूसरा बात जो हमने इसमें बोला था यस वो है ऑप्टिक लोब्स, कितना ऑप्टिक लोब्स है चार, उसको बोला मैंने कॉर्पोरा क्वाड्रिसिमिना, टू सुपीरियर कॉलिकुलाई रिलेटेड विजुअल रिफ्लेक्सेस एंड टू इंफीरियर कॉलिकुलाई रिलेटेड विद ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस। ऑप्टिक लोब्स इन ह्यूमन आर सॉलिड दे आर विदाउट ऑप्टोसिल। बच्चों अगर नीट की बात करेंगे तो आपको एक चीज इसमें याद रखना पड़ेगा मिड ब्रेन के अंदर, कि अगर मिड ब्रेन में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर होता है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर कॉल्ड दिस, अगर मैंने एक छोटा सा रफ डायग्राम यहां पे बनाया, देखिए दिस इज अगेन वन मोर रफ नहीं ना, ठीक है। तो ये देखो यहां पे मैंने रफ डायग्राम में यहाँ पे बनाऊंगा, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं क्योंकि ये बहुत ही आगे फिर आपको मेडिकल कॉलेज में जाके पढ़ना ही पढ़ना है, समझो ये मिड ब्रेन का डायग्राम है, ठीक है। ये मिड ब्रेन मैंने बनाया, यहाँ पे मिड ब्रेन में एक स्ट्रक्चर पाया जाता है विच इज वेरी वेरी डार्क स्ट्रक्चर, एक डार्केस्ट स्ट्रक्चर आपको मिड ब्रेन में देखा जाता है। बच्चों मैं जानबूझ के चीज बोलना चाहूंगा क्योंकि ये तो हमारा एक लिम्बिक सिस्टम का पार्ट भी है और पूरा एक डार्क स्ट्रक्चर है, क्योंकि इसके भी दो पार्ट होते हैं, एक डार्क स्ट्रक्चर लेस डार्क स्ट्रक्चर है, इसको बोला जाता है डार्क स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज सब्सटेंशिया नाइग्रा। अच्छा नाइग्रा का मतलब ब्लैक होता है, ठीक है ना। तो आपको अगर पूछे कि व्हाट इज वेल वेल डिफाइंड सब्सटेंशिया नाइग्रा, तो आंसर शुड बी मिड ब्रेन, सब्सटेंशिया नाइग्रा मिड ब्रेन में होता है। आप बोलेंगे सर ये बहुत ही डार्क क्यों होता है, दिस इज बिकॉज ऑफ यस बिकॉज इट सीक्रेट्स मेलाटोनिन, ठीक है ना बच्चों, ये मेलाटोनिन सीक्रेट करता है, मेलाटोनिन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट, इससे ही डोपामिन बनते हैं जो हमारे बेसल गैंग्लिया में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एज ए न्यूरोट्रांसमीटर। तो ड्यू टू सीक्रेशन ऑफ दिस हाई कॉन्सेंट्रेशन मेलाटोनिन इट इज डार्क इन कलर व्हिच इज कॉल्ड सब्सटेंशिया नाइग्रा। आगे आगे जाके आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ना ही होता है मेडिकल साइंस में ये पूरा डिटेल स्ट्रक्चर के, बट हमारे नीट के लिए ये जो मैंने आपको बताने की कोशिश करी इतना इनफ है, दिस इज ऑल अबाउट द मिड ब्रेन। इसके आगे वाले वीडियो में मैं लास्ट वाला ब्रेन का पार्ट बोलूंगा बच्चों, वो रहेगा हमारा हैंड ब्रेन। प्लीज फॉलो दिस डायग्राम ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, हमारे बोर्ड्स के लिए मिड ब्रेन में इतना ज्यादा क्वेश्चन है, बट प्लीज एमसीक्यूज के लिए ये सब आपको याद रखना है कि ये लॉन्जिट्यूडिनल फाइबर्स है, देयर आर फोर ऑप्टिक लोब्स, सब्सटेंशिया नाइग्रा इज वन ऑफ द सोर्स ऑफ मेलाटोनिन। बच्चों अगर सब्सटेंशिया नाइग्रा में कुछ डिसऑर्डर्स हम देखेंगे डिसऑर्डर, तो इट कैन रिजल्ट इनटू अ कंडीशन कॉल्ड एज पार्किंसंस डिजीज। ओके, अगर सब्सटेंशिया नाइग्रा में कुछ गड़बड़ हो गया तो उस बीमारी को हम क्या बोलते हैं, Parkinson's disease, मतलब substance nigra is very very essential for motor reflexes, ठीक है। हमारे body के muscle के जो motor reflexes है वो substance nigra से होते हैं, cerebrum से substance nigra वो control करेगा, तो उसकी बीमारी को हम Parkinson's disease भी बोलते हैं। ये आपको याद रखना है कि Parkinson's disease is one of the very important disorder related to muscle motor reflexes, तो वो जो बीमारी है वो substance nigra से related है, ठीक है। आप आगे जाके अच्छे से पढ़ने वाले, तो this is all about the midbrain, very very short part of the brain, right? So in the next video we'll continue with the hindbrain. Thank you very much.